आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑसम रीयूज प्रोजेक्ट्स डन बाय आर व्यूअर्स, यानी कि हमारे जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं उन्होंने अपनी ओल्ड साड़ीज, दुपट्टा, जीन्स, डेनिम, शर्ट्स को रीयूज करके कैसे ऑसम एंड अमेजिंग न्यू गार्मेंट्स बनाए हैं। तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होगी खुद के पुराने कपड़ों को रीयूज करके कुछ नया बनाने के लिए, बट ऑल्सो आपको यहाँ पे ऑसम आइडियाज भी मिल सकते हैं कि आप किस तरीके के आउटफिट्स बना सकते हैं। सो स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और हम हर रोज नई वीडियोस अपलोड करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, फॉर दैट मेक श्योर नीचे जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहला आउटफिट है प्रतिमा साहू जी का। हाय रुपिंदर, मुझे आपके वीडियोस और आइडियाज बहुत यूजफुल लगते हैं, थैंक यू सो मच। आपने हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सलूशन बता दिया है, होप आपके आइडियाज ऐसे ही हम तक पहुंचते रहेंगे। मैंने भी अपने एक ब्रासो की साड़ी का रीयूज करके एक सिंपल फुल लेंथ फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाई है, जिसके अंदर दूसरी ड्रेस की फुल लेंथ वाली कॉटन इनर डाल रखी है। आई होप आगे भी आपके आइडियाज हमको इंस्पायर करते रहेंगे। बेस्ट विशेष प्रतिमा साहू, वाराणसी। सो लेट्स सी इनकी ये ड्रेस किस तरीके की है। और द बेस्ट थिंग हेयर इज कि इन्होंने अपनी बिफोर और आफ्टर की पिक्चर भेजी है, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि पहले साड़ी किस तरीके की थी और बाद में बनने के बाद आउटफिट कैसा लग रहा है। सो यू कैन सी हेयर, उन्होंने बहुत ही स्मार्टली अपनी किसी पुरानी ड्रेस का इनर जो है इसके साथ पेयरअप कर लिया, किसी दूसरी ड्रेस का इनर इसके साथ पेयरअप किया है, एंड हर आउटफिट इज जस्ट अमेजिंग। आप देख सकते हैं शी हैज केप्ट इट सिंपल, बिकॉज जितना भी एलिमेंट है वो इस साड़ी के प्रिंट में है, इस साड़ी के कलर में है, ओम्ब्रे शेड में है, तो ताकि वो एलिमेंट निकल के सामने आए। शी केप्ट द आउटलुक सिंपल, शी केप्ट द सिल्वेट सिंपल, कट सिंपल, जिस वजह से साड़ी का जो प्रिंट है और जो ओम्ब्रे इफेक्ट है वो काफी स्टैंड आउट कर रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ड्रेस, वी रियली लाइक इट कि उन्होंने किस तरीके से इसे सिंपली इतने अमेजिंग तरीके से रीयूज किया है। नेक्स्ट है तस्नीम जी, इनके जो प्रोजेक्ट है ना दे आर वेरी इंप्रेसिव, वी रियली लव दीज, काफी यूनिक है और काफी यू नो हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इन्होंने यहाँ पे अपने आउटफिट्स में शो की है। हेलो रुपिंदर मैम, आई हैव क्रिएटेड अगेन अ हैंड पैच्ड कुर्ता फ्रॉम लेफ्ट ओवर स्क्रैप्स। तो उनके जो बचे हुए कपड़ों से उन्होंने ये कुर्ता क्रिएट किया और हैंड पैच किया है, इस पे मशीन पैच से भी नहीं, हाथ से इन्होंने ये पैच जो है लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स के साथ क्रिएट किए हैं। आई रिक्रिएटेड इट फ्रॉम माई हस्बैंड व्हाइट कुर्ता, और हस्बैंड के व्हाइट कुर्ता को भी इसमें उन्होंने यूज किया है। सो लॉट ऑफ यू आज की पुराने जो कुर्ताज होते हैं आपके हस्बैंड ब्रदर्स या आपके घर में जो भी मेल फैमिली मेंबर्स हैं उनके पुराने कुर्ताज को आप कैसे रीयूज कर सकते हैं, तो हेयर इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं उन्होंने बचे हुए कपड़ों से पैच क्रिएट किया है और बाकी जो व्हाइट कुर्ता है उसे रीयूज करके ये आउटफिट बनाया है। ये जो कुर्ता इन्होंने अपनी नीस के लिए बनाया था, और उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना इट्स वेरी अमेजिंग। उन्होंने पुरानी जीन्स को रीयूज करके हैंडमेड ज्वेलरी बनाई है और यहाँ पे व्हाइट पर्ल्स के साथ उसे हाईलाइट किया है। तो हमने आज तक जो भी जीन्स के रीयूज प्रोजेक्ट्स किए उसमें हमने हमेशा गार्मेंट्स ही बनाए हैं, बट शी डिड एन अमेजिंग जॉब कि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी उसमें से क्रिएट की है। नेक्स्ट है नेहा जी का रीयूज प्रोजेक्ट। ये मेरी एक रीयूज प्रोजेक्ट है जिसको मैंने अपने पुराने दो दुपट्टे से क्रिएट किया है। ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक कपड़े में है, योक पे जो फैब्रिक है यूज किया है वो ड्रेस के कलर से मिलता ही अदर कपड़ा है। इसे थोड़ा हेवी लुक देने के लिए वेस्ट पर पैच को यूज किया है, पैच को ब्लू कलर के वेलवेट लेस पर अटैच करके वेस्ट पे लगाया है। इसको मुझे समर में पहनना है सो मैंने बाकी सब कुछ सिंपल ही रखा है। ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था इसलिए मैं इसे डबल यूज कर लिया, जिससे ये मेरे पास और ज्यादा दिन तक टिक सके। सो इनका जो आउटफिट है इन्होंने दो पुराने दुपट्टा को रीयूज करके बनाया। जो फ्लेयर पार्ट है वो एक दुपट्टा है, और जो इस आउटफिट की लाइनिंग है वो इनका एक कॉटन का दुपट्टा है, और जो योक का फैब्रिक है वो उन्होंने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके साथ अटैच किया है। तो इट्स रियली नाइस कि अगर आपका एक पुराने गार्मेंट में से एक पूरा आउटफिट नहीं निकलता है तो मल्टीपल गार्मेंट्स, जैसे इन्होंने यहाँ पे दो दुपट्टास को रीयूज करके एक पूरा नया आउटफिट बना लिया है। इट्स अ वेरी अमेजिंग आइडिया, एंड द बेस्ट थिंग हेयर इज कि उन्होंने जो उनका पुराना कॉटन का दुपट्टा है उसे यहाँ पे एज अ लाइनिंग यूज कर लिया। कॉटन जितना ज्यादा वॉश होती है, यूज होती है, उतना ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो जस्ट इमेजिन कि वो कितना सॉफ्ट और अच्छे क्वालिटी का उन्होंने एक लाइनिंग अरेंज कर लिया, वो भी आउट ऑफ हर ओल्ड कॉटन दुपट्टा। सो इट्स अ वेरी नाइस रीयूज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट रीयूज प्रोजेक्ट है सुषमा संदीप जी का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। हेलो रुपिंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपने क्रिएशंस आपके चैनल पे देख के, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक और आइडिया शेयर करना चाहती हूँ जिसे मैंने नवरात्रि में ट्राई किया और बहुत अप्रिशिएट किया मेरे फ्रेंड्स ने। डांडिया का प्रोग्राम था और सब घाघरा रेंट पर लाए थे, बट पूजा में बिजी होने के कारण मैं नहीं गई, तो मुझे क्विक आइडिया आया और मैंने नो कटिंग इंस्टेंट घाघरा रेडी किया अपनी बांधनी की साड़ी से।
पूरी साड़ी को गैदर करके वेस्ट बैंड में इलास्टिक डाला, साथ में अपना एक ब्लाउज पेयर किया और दुपट्टा, घाघरे में लेस लगाया जो उसी साड़ी के लिए रखा हुआ था। प्रोग्राम के बाद मैंने वापस वेस्ट बैंड की सिलाई खोल के इलास्टिक निकाल लिया और साड़ी फिर पहले जैसी। तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहती थी। सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग आइडिया कि उन्होंने रीयूज भी किया और वो वापस से उसे पुराने ओरिजिनल गारमेंट में भी कन्वर्ट कर सकती हैं और किसी भी टाइम उसे चेंज कर सकती हैं घाघरा में। तो यहाँ पे क्या था कि उनके पास टाइम नहीं था नवरात्रि में घाघरा बनवाने के लिए, तो उन्होंने जो उनकी साड़ी ऑलरेडी पड़ी हुई थी बस उसको गैदर कर लिया, उसमें कोई कटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, सिंपली उसे गैदर करके इलास्टिक उसके साथ अटैच करके उसे एज ए घाघरा उन्होंने पेयर कर लिया विद एन ओल्ड ब्लाउज एंड एन दुपट्टा। तो ये पूरा आउटफिट उनका यहाँ पे रेडी हो गया। अ लॉट ऑफ यू मे थिंक कि जो साड़ी की पिक्चर है उसमें इतने वाइब्रेंट कलर्स नहीं है जितने घाघरा में दिख रहे हैं। द थिंग इज कि साड़ी का जो पल्लू है उसमें है एक्चुअली वो वाइब्रेंट कलर्स जो घाघरा के फ्रंट साइड में है। सो इस तरीके से उन्होंने बना लिया और जब उनका ओकेजन खत्म हो गया, उनका पर्पज सॉल्व हो गया, उन्होंने वापस से वो वेस्ट बैंड निकाल के उसे फिर से एज अ साड़ी पहनना शुरू कर दिया। सो दिस इज लाइक रियली अमेजिंग। बहुत से रीयूज प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप थोड़े स्केप्टिकल हैं कि साड़ी को रीयूज करेंगे कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको बनने के बाद स्कर्ट अच्छी नहीं लगे तो आप उसे वापस से साड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीना गुनानी जी के आउटफिट्स। हे रूप, योर नेम रियली सूट्स यू, थैंक यू सो मच। दिस इज टीना, वांट टू शेयर समथिंग। आई एम नॉट अ क्वालिफाइड डिजाइनर, आई लर्न बेसिक स्विंग एंड नाउ आई डिजाइन एंड स्टिच बाय माई सेल्फ। तो ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है एज ए फैशन डिजाइनर, बट इन्होंने खुद ही सीखा है जो भी ये करती है। इन्होंने यूनिक सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद इन्होंने सब बनाना शुरू किया। आई डू दिस आउट ऑफ माई पैशन एंड योर चैनल हेल्प मी डू दैट। योर हैंडवर्क ट्यूटोरियल्स आर हेल्पफुल, थैंक यू ममता फॉर दैट। तो इन्होंने काफी हैंडवर्क ट्यूटोरियल्स भी हमारे देखे हैं। आई एम वन ऑफ योर अर्ली सब्सक्राइबर्स एंड आई मस्ट से दैट आई एम ऑल्सो ग्रोइंग अलॉन्ग विद योर चैनल। येस, वी रिमेम्बर कि ये जब से हमने चैनल शुरू किया तो शुरुआती कुछ दिनों से ही हमारे साथ हैं ये। योर कॉमेंट्स अबाउट मी आर वेरी ट्रू, आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैब्रिक्स कंसिडरिंग एवरी आस्पेक्ट लाइक टेक्सचर, क्वान्टिटी ऑफ फैब्रिक, बॉडी टाइप एंड ट्रेंड्स, एंड देन आई कैलकुलेट एंड डिसाइड वॉट बेस्ट कुड बी मेड आउट ऑफ इट। सो यू आर वेरी नाप तोल के आई डू एवरीथिंग। तो वो सबसे पहले आउटफिट बनाने से पहले शी प्लान्स द होल थिंग आउट। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में हमें एक साड़ी मिल गई हम उसमें से कुछ भी बना दें। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन कि आप चार दिन प्लानिंग पे लगाओ फिर एक दिन गारमेंट बनाने में बनाओ, दैट इज मच बेटर। वांट टू शेयर माय वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस। इट्स नॉट अ रीयूज बट अ डिफरेंट आइडिया एंड एग्जीक्यूशन। इट्स अ मैक्सी ड्रेस फ्रॉम सलवार सूट फैब्रिक। तो सलवार सूट का जो फैब्रिक 2.5 मीटर आपको शर्ट और 2.5 मीटर सलवार मार्केट में मिलती है उसमें से उन्होंने ये गारमेंट बनाया है। आई रिमूव्ड नेक एम्ब्रॉयडरी फर्स्ट एंड यूज बॉर्डर्स ऑन ईच साइड ऑफ नेक एम्ब्रॉयडरी टू गिव इट अ लुक। सबसे पहले उन्होंने नेक की एम्ब्रॉयडरी रिमूव की एंड यूज बॉर्डर्स ऑन ईच साइड ऑफ नेक एम्ब्रॉयडरी, और नेक एम्ब्रॉयडरी के दोनों साइड पर उन्होंने बॉर्डर्स को यूज किया है टू गिव अ लुक इन बॉर्डर्स एंड सेव्ड रेस्ट क्लोथ फॉर स्कर्ट अपर लेयर। तो वो बॉर्डर्स में एक लुक देने के लिए उन्होंने ये जो चेंजेस किए वो किया और बाकी जो कपड़ा बचा है उसे स्कर्ट के अपर लेयर के लिए उन्होंने सेव कर लिया। स्कर्ट्स अंडर लेयर इज मेड ऑफ सलवार फैब्रिक, तो स्कर्ट का जो नीचे का लेयर है वो सलवार के फैब्रिक से उन्होंने बनाया है। ट्रस्ट मी, इट लुक्स लाइक अ रेडीमेड गारमेंट परचेज्ड फ्रॉम अ हाई एंड डिजाइनर शॉप। सीरियसली आउटफिट इज रियली अमेजिंग। पिक 2, इट वॉज माई मॉम्स ओल्ड साड़ी। आई डिजाइन दिस फ्लोर लेंथ फ्रंट स्लिट कलीदार आउटफिट। आई पेयर्ड इट विद अम्ब्रेला स्कर्ट विच आई मेड फ्रॉम फ्रेश फैब्रिक। आई वोर इट ऑन कजन्स वेडिंग। तो ये इनकी मदर के ओल्ड साड़ी में से इन्होंने बनाया है। आई डिजाइन दिस फ्लोर लेंथ फ्रंट स्लिट कलीदार आउटफिट। तो एक फ्रंट स्लिट है, कलीदार है, कलियों में काट के इन्होंने इसे क्रिएट किया है, और इसके साथ जो अम्ब्रेला स्कर्ट को इन्होंने पेयर अप किया है वो इन्होंने फ्रेश कपड़ा खरीद कर उसे क्रिएट की है। थर्ड है लहंगा चोली फ्रॉम साड़ी, क्रिएटेड चोली फ्रॉम पल्लू। पल्लू के जो साड़ी का पल्लू का पोर्शन होता है उसमें से उन्होंने चोली बना लिया और बाकी की जो साड़ी है उसे यूज किया है लहंगा बनाने के लिए। एडेड अ फ्रेश दुपट्टा विद लेस डिटेलिंग, और जो दुपट्टा है ये इन्होंने एक्स्ट्रा मार्केट से लेके इसके साथ पेयर अप किया है। वी रियली लाइक कि आपने कितना एफर्ट और टाइम डाला है इन आउटफिट्स की प्लानिंग के लिए और कितना ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया है इनको। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर आउटफिट्स विद अस। इससे प्रिया यादव जी, हाय रुपिंदर, दिस साइड टीवी एक्ट्रेस प्रिया यादव, दैट्स अमेजिंग। नाउ वी हैव सेलिब्रिटीज ऑल्सो जो हमारा पेज देख रहे हैं, हमारा काम देख रहे हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज कि उन्होंने अपना रीयूज प्रोजेक्ट हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया। आई थिंक इट्स अ बिग इंस्पिरेशन एंड अ बिग मोटिवेशन टू ऑल ऑफ यू कि पुराने आउटफिट्स को रीयूज करके भी ऑसम और अमेजिंग आउटफिट्स बन सकते हैं। हाउ आर यू, आई एम ग्रेट एंड आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपका जो ईमेल हमें आया है। मैंने एक साड़ी से लहंगा बनाया है जिसमें ब्लाउज एंड दुपट्टा का फैब्रिक मैंने मार्केट से खरीदा है। तो इन्होंने साड़ी में से ये जो लहंगा स्कर्ट है पूरी वो उन्होंने साड़ी में से क्रिएट किया और ब्लाउज और दुपट्टा का फैब्रिक उन्होंने एक्स्ट्रा परचेज किया है।
देखा साड़ी से निकल नहीं पा रहा था। ऐसा होता है क्योंकि साड़ी में से अगर हम पल्लू पार्ट निकाल देना तो सिर्फ एक स्कर्ट ही है, अच्छे फ्लेयर वाली एक स्कर्ट ही निकल पाती है एक साड़ी में से। तो यहाँ पे उन्होंने ब्लाउज और दुपट्टा के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक इसके साथ पेयर अप कर लिया है। अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी कॉन्शियस ऑफ शेयरिंग देयर प्रोजेक्ट्स की वो बताना नहीं चाहते कि कोई रियूज प्रोजेक्ट से बना है। मे बी दे हैव अ सर्टेन इनसिक्योरिटी रिगार्डिंग यू नो रियूजिंग ओल्ड आउटफिट्स। तो जब आप सेलिब्रिटीज को भी देख रहे हैं वो भी ये कर रहे हैं, देन यू आई थिंक यू शुड गेट इंस्पायर्ड। नथिंग कैन इंस्पायर यू मोर कि इवन अ पर्सन हु इज अ सेलिब्रिटी हु हैज लॉट ऑफ फॉलोअर्स वो भी इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रियूजिंग एंड यू नो योर ओल्ड आउटफिट्स। आई थिंक वो उनमें लाइफ ऐड करता है, लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज को यूज कर सकते हो, एक सस्टेनेबल फैशन की तरफ आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, हर तरफ से एक विन विन सिचुएशन होता है। सो थैंक यू प्रिया जी फॉर टेकिंग आउट टाइम टू सेंड अस दिस ईमेल और अपना ये प्रोजेक्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए एंड इंस्पायरिंग सो मच पीपल आउट देयर। नेक्स्ट है ज्योति। हाय रुपिंदर, दिस इज ज्योति फ्रॉम दिल्ली। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वीडियोस, थैंक यू सो मच ज्योति। ओके, तो ये जो इनका शर्ट है यहाँ पे, ये पहले इनका एक पजामी सूट का आउटफिट का पार्ट था, बट यहाँ पे इन्होंने इसे स्कर्ट के साथ पेयर अप किया है, इसे फ्रंट स्लिट कर लिया और इसके सेंटर में बटन्स ऐड कर दिए और एक स्कर्ट के साथ टोटली नया आउटफिट बना लिया। सेकेंड पिक्चर में मेरी बेटी का लहंगा रेडी करवाया फ्रॉम अ साड़ी। सेकेंड पिक्चर में जो ये लहंगा है उनकी डॉटर का, वो भी एक साड़ी में से बना है। नेक्स्ट वन में ये पिंक स्कर्ट में से थोड़ा फैब्रिक बच गया था तो उसका कुर्ता बनवा कर फिर ब्लैक साथ में ब्रोकेड यूज करके पटियाला सूट डिजाइन करा। कैसे लग रहा है आप शेयर करना मेरे आइडियाज ताकि और लोग भी आइडियाज ले सकें। दैट इज रियली नाइस ऑफ यू कि आपने अपने रीयूज प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे शेयर किया है बाकी लोगों को इंस्पायर करने के लिए। ओके, जो इनका फर्स्ट आउटफिट था उसमें जो स्कर्ट इन्होंने बनवाई थी उसमें से जो फैब्रिक बचा था उसमें से उन्होंने अगेन एक कुर्ता बनवा लिया जिसे इन्होंने पटियाला सूट सलवार के साथ पेयर अप कर लिया। सो इट्स रियली नाइस कि आप एक पर्पज के लिए फैब्रिक लेके आते हो, उसे मल्टीपर्पज मल्टीपल गार्मेंट्स में उसे रीयूज कर लेते हैं। आई रियली लाइक योर आउटफिट आइडियाज, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर आइडियाज विद अस। नेक्स्ट है पवित्रा जी। सारी रीयूजेस, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बैंगलोर। दिस इज पवित्रा। आई लव फैशन डिजाइनिंग बट ड्यू टू सम रीजंस आई हैव हैड टू लीव स्टडीज एंड गेट मैरिड, बट नाउ आफ्टर सम इयर्स आई हैव स्टार्टेड स्टिचिंग डिजाइनिंग माय ओन एंड माय सिस्टर्स आउटफिट्स। यू पीपल आर टू गुड, थैंक यू सो मच हेल्पिंग पीपल लाइक मी ऑल अराउंड बाय पुटिंग एफर्ट्स ऑन मेकिंग योर वीडियोस एंड स्प्रेडिंग योर नॉलेज। विद्यादान इज महादान। थैंक यू सो मच पार्वती जी। आई थिंक आपके ऐसे ही ईमेल्स और मैसेजेस होते हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम हर रोज नई वीडियोस बनाएं और हर रोज उन वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालें। सो इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं था कि साड़ी के किस पार्ट में से उन्होंने क्या क्या क्रिएट किया है, बट आई थिंक दिस पिक्चर्स आर अ क्लियर इंडिकेशन कि फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यहाँ पे ये प्रिंटेड स्कर्ट उन्होंने प्रिंटेड साड़ी में से बनवाई हो सकती है। एंड द रेस्ट अदर टू आउटफिट्स आर ऑल्सो प्रीटी मच क्लियर कि एक सिल्क साड़ी में से उन्होंने कुर्ता बनवाया होगा और एक ग्रीन साड़ी में से स्कर्ट प्रिपेयर की है। सो और ये अभी का ईमेल नहीं है, वी हैव बीन चेकिंग आर ओल्ड ईमेल्स। किसी के जो रह गए थे रीयूज प्रोजेक्ट्स जो हमने नहीं दिखाए थे उनमें से एक रीयूज प्रोजेक्ट था इनका, तो उस टाइम पे हम इतने गाइडलाइंस देते नहीं थे कि पूरा डिस्क्रिप्शन शेयर कीजिए, बिफोर आफ्टर शेयर कीजिए। सो दैट्स वाई वो दे नहीं पाए हमें पूरा डिस्क्रिप्शन, बट हर आउटफिट्स एंड हर रीयूज प्रोजेक्ट्स आर टोटली अमेजिंग एंड आई थिंक इट्स अ गुड साइन ऑफ रीयूज कि उसमें वो झलक नहीं आ रही कि पहले वो क्या चीज थी। सो they are totally amazing and we really loved your work, thank you so much for sharing it with us. Next is Shreya Jain ji ki ye dress jo ki ek box pleated very nice light colored dress hai ye jo unhone apne kisi close one ki shaadi ke liye prepare ki thi. Next is Minushree ji. Hello Rupinder, it's Minushree Giri. I saw your mother daughter tuning video and I stitched 3 dresses from one of my old sari, one for me, my daughter and my niece. I share some pictures. तो उन्होंने ट्विनिंग करने के लिए ड्रेसेस बनाई है खुद के लिए, एक अपनी डॉटर के लिए और एक अपनी नीस के लिए। फर्स्ट उनका खुद का सूट है जो जहाँ पे इन्होंने ये प्लेन योग के साथ अपनी प्रिंटेड साड़ी का फ्लेयर बना लिया है। सेकेंडली ये उनकी बेबी गर्ल का आउटफिट है जिसमें उन्होंने उनका अपर का जो फ्लेयरी फ्रॉक बनाया है वो अपनी प्रिंटेड साड़ी में से बनाया है। एंड द थर्ड वन जो कि एक बहुत ही छोटा सा ड्रेस है, इसका जो फ्लेयर है ए लाइन फ्लेयर, अगेन इन्होंने अपने साड़ी में से बनाया। तो एक साड़ी में से 3 लोगों के आउटफिट्स बना लिए, दैट्स रियली अमेजिंग। हमने आज तक 2 लोगों का सुना था बट 3 लोगों का बनाने अमेजिंग। नेक्स्ट है क्षितिजा शिंदे जी। उन्होंने रीयूज किया अपनी हाफ एंड हाफ साड़ी को एक ए लाइन कुर्ता और दुपट्टा में, तो उनकी हाफ एंड हाफ साड़ी जो थी उसे उन्होंने ये कुर्ता बनाया है। सेकेंडली उन्होंने अपनी साड़ी में से ये बेबी गर्ल ड्रेसेस बनाई है, तो दोनों ड्रेसेस में सेम ही साड़ी का फ्लेयर है जो उन्होंने यूज किया है पेयर्ड अप विद प्लेन योक्स। एंड आई रियली लाइक कि कैसे उन्होंने एक फुल लेंथ ड्रेस बनाई और एक शॉर्ट लेंथ ड्रेस बनाई विद टोटली डिफरेंट डिजाइन एंड सिल्वेट्स। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर प्रोजेक्ट्स विद अस। नेक्स्ट है सोनिया गुप्ता जी। हेलो रुपिंदर जी, आई मेड दिस लहंगा फ्रॉम माई ओल्ड साड़ी एंड यूज द सेम ब्लाउज।
ये लहंगा उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी में से बनाया है, और जो ऑलरेडी उस साड़ी के साथ पहले का जो ब्लाउज था उसी को यहाँ पे पेयर अप कर लिया है। एंड सेव द लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और जो भी फैब्रिक उस साड़ी में से बचा उन्होंने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए सेव कर लिया। दैट्स रियली नाइस कि उन्होंने फोर्सफुली एक ही गारमेंट में सब कुछ डालने की कोशिश नहीं की, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी यूज हो ही जाएगा बिकॉज फैब्रिक कभी वेस्ट नहीं जाता। आई वोर दिस टॉप लास्ट करवा चौथ, आई होप यू विल इंक्लूड दिस ऑन योर चैनल। ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ प्लेजर इंक्लूडिंग ऑल ऑफ योर रीयूज प्रोजेक्ट्स हियर, एंड आई थिंक इट्स रियली नाइस कि उन्होंने एक पुरानी साड़ी में से अपना पूरा लहंगा जो है उसे बना लिया, पुराना ब्लाउज भी यहाँ पे यूज हो गया और दुपट्टा भी यहाँ पे यूज हो गया। नेक्स्ट है मीनू जैन जी, इनके आउटफिट्स आर एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल जो कि मदर डॉटर ट्विनिंग के आइडियाज देखते रहते हैं। सो यू कैन सी कैसे उन्होंने मदर डॉटर ट्विनिंग के जो आउटफिट्स उन्हें प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट शीतल जी, हाय आई एम शीतल फ्रॉम महाराष्ट्र, लाइक ऑल योर वीडियोस। मैंने कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं किया है लेकिन मैं खुद अपने ड्रेसेस सिलती हूँ, आगे साड़ी से बनाई ड्रेस की पिक शेयर कर रही हूँ। तो ये जो ड्रेस उन्होंने सारी रियूज करके बनाई है, अगेन हमारे पास इन डेप्थ डिटेल्स नहीं है यहाँ पे, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप आगे से जो भी रियूज प्रोजेक्ट्स के आप हमें पिक्चर्स भेजे उसके साथ इन डिटेल डिस्क्रिप्शन जरूर दें। नेक्स्ट है शाओ खान, रियूज माय स्टोल टू कमीज एंड साड़ी टू लहंगा। तो उनका ये स्टोल था, एक दुपट्टा होगा जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इंटू अ शर्ट इंटू अ कुर्ती, और साड़ी में से उन्होंने लहंगा बना लिया। हेलो हाउ आर यू, आई एम ग्रेट, आई होप यू आर डूइंग वेल ऑल्सो, I'm too impressed to your work. Thank you so much. And you are so inspiring me to create new dress. Thanks for that. Thank you once again. I'm teacher but hobby now reuse all the old things. Again, thanks. So thank you so much for motivating us and considering us capable ki aap hamare paas apne sare reuse projects ko bhejte hain. You can see we really loved ki unhone ek heavy dupatta ko ek kurta mein convert kar liya. And this again a very nice पिंक एंड ऑरेंज कलर्ड उन्होंने लहंगा प्रिपेयर किया फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। सो दैट्स इट एवरीवन, ये थे हमारे कुछ क्लाइंट्स के रिव्यूज प्रोजेक्ट्स। और हाँ, इन वीडियोस के नीचे एक ही रूल अप्लाई होता है कि हम कोई भी नेगेटिव कमेंट्स को अलाउ नहीं करते, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप यहाँ पे डीमोटिवेट करने आए हैं हमारे व्यूअर्स को, वी विल बी डिलीटिंग योर कॉमेंट्स एंड वी एक्सेप्ट दैट वी डू दिस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको हमारे व्यूअर्स के प्रोजेक्ट्स पसंद आए होंगे और आपको किसी लेवल पे मोटिवेशन जरूर मिला होगा अपने पुराने कपड़ों को रीयूज करने का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हाँ, ताकि आपको हर रोज जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर दैट मेक श्योर नीचे जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें।